स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड कवरेज में, और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित बेल बाबा आश्रम और मंदिर परिसर में। आपको बता दूं, ये जो बेल बाबा का आश्रम और मंदिर परिसर है, ये काफी प्राचीन है और इसकी भक्तों में खासी मान्यता है। हम आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आज है महाशिवरात्रि का पर्व। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी, जिस वजह से इसकी खासी मान्यता मानी गई है। और जो 12 शिवरात्रियाँ होती है उसमें महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी मान्यता मानी जाती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर आपको विजुअल दिखा पाए, पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज भक्तों की लंबी कतार लगी है सुबह से, और बड़ी तादाद में जो भक्तगण हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही काफ़ी खासी भीड़ है और भक्त सुबह से ही यहाँ भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं उनके भाव की किस उम्मीद से वो आज भोले बाबा के दर पर पहुँचे। साथ ही जानेंगे मंदिर प्रबंधन के जो कर्मचारी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व और किस तरह के इंतजाम आज यहाँ भक्तगणों की सुविधा के लिए गए हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम पंडित मोहन शास्त्री ज्योतिषाचार्य। मैं यहाँ मंदिर में कम से कम 10-11 साल से पूजा कर रहा हूँ, और यह बेल बाबा मंदिर आज से 125 साल पुराना है। यहाँ पर बेल बाबा महाराज ने तपस्या की थी बेल के वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर जो पीपल और बरगद का दोनों वृक्ष यहाँ पर अभी मौजूद हैं, और जो है यहाँ पर शिवरात्रि के दिन जो भी अपनी मनोकामना हमारी है, वह मनोकामना जो भक्त जिस प्रकार से आकर के मांगता है, वह सभी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा बेल बाबा पूर्ण कर देते हैं। जिस तरह आज महाशिवरात्रि का पर्व है, यहाँ पे सुबह से ही भारी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालु? यहाँ पर सुबह 4 बजे प्रथम की आरती होती है, और सुबह आरती होते ही इतनी लंबी भीड़ थी, कम से कम 1,500-2,000 की संख्या में लोग तब से ही यहाँ पर बाहर से लाइन में खड़े थे। और बड़ा अद्भुत यहाँ मेला होता है, यहाँ पर आकर के सब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, पूरे हल्द्वानी उत्तराखंड से लोग यहाँ आ रहे हैं, सबकी सारी मनोकामनाएं भगवान बेल बाबा भोले बाबा पूर्ण करते हैं, ऐसा यहाँ का इतिहास और मानना है। वैसे तो हिंदू धर्म में सनातन में 12 शिवरात्रियाँ होती है, लेकिन आज महाशिवरात्रि है, तो दर्शकों को बताइए कि यूँ इसका इतना महत्व है, बाकी शिवरात्रियों से क्यों खास, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को महिमा बताइए। ऐसा है, आज के दिन, आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा ने माँ पार्वती जी के साथ विवाह रचाया था, और आज के दिन ही इस पृथ्वी में आकर के यहाँ पर उन्होंने तपस्या भी की थी, और आज उनका विवाह का उत्सव मनाया जाता है। भगवान की आज के दिन जो आराधना करता है, व्रत करता है, उपासना करता है, उनकी भक्ति करता है, उनका पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं अभिलाषाएं पूर्ण भगवान देवादिदेव महादेव करते हैं। चलिए पंडित, थोड़ा सा आज पूजन की विधि आज क्या स्पेशल रहता है, किस तरह से आज पूजन करना चाहिए कि भक्तों की मनोकामना महादेव पूरी करे, इसके बारे में अगर आप दर्शकों को बताना चाहें आज के। ऐसा है, आज रात्रि को 4 प्रहर की भगवान की विशेष पूजा की जाती है। पहला 6:14 में प्रथम मुहूर्त प्रथम प्रहर की पूजा का योग है। दूसरा अभिजित मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ का 8:30 के लगभग, अभी पक्का लगभग इतनी है। उसके बाद रात्रि तक कम से कम 3:03 तक चलेगा, और 3:15 से सुबह 6:15 तक का चौथा प्रहर चलेगा। इन चारों प्रहरों की जो पूजा करता है, उसको भगवान सारी मनोकामनाएं, एक ऐसी कोई मनोकामना जो विधाता ने हमारे भाग्य में नहीं दी है, वह कामना भी भगवान देवादिदेव महादेव करने में सक्षम है। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि आज है जी, हाँ, काफ़ी उत्साह है श्रद्धालुओं में, तो महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में बताइए। शिवरात्रि के महत्व बारे में, अब शिव जी का ही दिन हुआ आज, और इसका ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, भक्तगणों का बड़ा आस्था रहती है शिव के उसमें, और शिव जी की तो माया अपरंपार है। जब भी कोई वो होता है तो शिव जी तीन देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु भी जो है शिव जी की आराधना करते हैं, वो करते हैं, तो इसका बड़ा महत्व है, और पूरे ये देश में मनाया जाता है, यहाँ तक कि अब ये विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। शिवरात्रि जो हमारे यहाँ भारतवर्ष के हिंदू लोग हैं वो इसको मनाते हैं, और इसमें हमारे, मैं आपको ये बताऊँ, हमारे सरदार भाई भी और मुसलमान भाई भी इसको हमारे साथ इसमें सम्मिलित रहते हैं इसको त्यौहार को मनाने में, और हम लोग इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कम से कम इसको 6 महीने पहले से हम यहाँ की तैयारियों में लगे रहते हैं। इस मंदिर का जो ये आश्रम है, इसकी बहुत आस्था है, और भीड़ भी यहाँ
कम से कम लगभग 20,000 से ऊपर की हो जाती है। अभी भी आप देख लीजिए कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। सवे 4 बजे से यहाँ से जो है पूजा अर्चना और शिवालय में बेलपत्री और पानी दूध के साथ चढ़ाया जाता है। वैसे तो कई शिवरात्रियाँ होती है, लेकिन जैसे आज महाशिवरात्रि है, तो ये बाकी शिवरात्रि कैसे अलग और उसका क्या महत्व है हिंदू धर्म में? इसके कहाँ, वैसे तो 12 शिवरात्रियाँ होती हैं, लेकिन जो आज महाशिवरात्रि ये कैसे खास है बाकी शिवरात्रि से? अब ये इसका अलग अलग वो है ना, क्योंकि शिवरात्रि तो ऐसा हर महीने आप मना सकते हैं, 12 शिवरात्रि जो है पूजा अर्चना का, इसका ये वार्षिक ऐसा जैसे कि हम किसी चीज़ की वार्षिक उत्सव मनाते हैं साल भर में, उसी हिसाब से इसका भी एक महत्व है। तो ये इसके लिए इसका महत्व बढ़ जाता है, वो छोटे रूप में मनाए जाते हैं, ये बड़े भव्य रूप में आता है और पूरा देश जो है इसको आस्था के उसमें आज ही इसको मनाता है, जो महाशिवरात्रि के नाम से इसका, इसलिए इसका नाम भी महाशिवरात्रि ही पड़ा। किस प्रकार से पूजन होता है और आज क्या क्या चढ़ता है महादेव को, जरा बताओ। अब पूजन में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जल, जल के साथ दूध मिला हुआ है, जौ है, तिल है और बेलपत्री, ये मुख्य है। मगर हमारी आस्था है महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की, वो उसके संग जो है और फल फूल भी चढ़ाते हैं, बेर का भी थोड़ा सा महत्व है और केले है, फल है जो भी हैं वो चढ़ा लेते हैं। मगर जो खास महत्व है इसमें वो आपके संग दूध के साथ जल है, जौ है, तिल है और बेलपत्री, मेन चीज़ जो है खास वो शिवरात्रि में इसी का वो है महत्व। जी हाँ, पूजा के मुहूर्त का टाइम बताएंगे दर्शकों? मुहूर्त का टाइम तो ऐसा, देखिए मैं आपको बताऊँ, इसमें तो अलग अलग मत हैं। अब लोगों की आस्था है भाई, यहाँ से ऐसा है करीब 3:30 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, कोई जल्दी आ जाता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है उसकी आस्था से। अब ये शाम तक आपके कम से कम 4-5 अभी सीटकुल के जो बसें आएंगे, बच्चे आएंगे, वो शाम तक 7 बजे तक यहाँ इसको यहाँ जल चढ़ाने आते हैं, इसका ये है। जैसे आपने बताया हज़ारों की तादाद में सुबह से शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं, तो मंदिर प्रबंधन की तरफ से आज क्या खास इंतजाम किए गए भक्तों की सहूलियत? हाँ, भक्तों के इंतजाम ऐसा है कि हम सबसे पहले जल की व्यवस्था करते हैं, जिसमें दूध और जौ मिला होता है, बेलपत्री की सुविधाएं करते हैं। उनको लाइन में कतार में लेने के लिए हमारे जो हैं यहाँ वॉलेंटियर जो हैं, हमारे बच्चे हैं, वो बड़ी श्रद्धा से, भाव से सबको नमन करते हुए, हाथ पैर जोड़ते हुए उनको लाइन में लगवाते हैं और धीरे धीरे वो जो है मंदिर प्रांगण में आते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं। और इसमें हमको पुलिस का भी बहुत सहयोग मिलता है, हमारी महिला आरक्षी जो हैं वो भी हमें काफ़ी सहयोग कर रही हैं, और बाहर जो हैं वो BSF के लोग भी हैं, जवान भी हैं और पुलिसकर्मी भी हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सहूलियत होती है। और हम जो हमारे बच्चे हैं वो तन मन धन से लगे रहते हैं साहब ये आज के दिन के लिए, और 15-20 दिन पहले से आपने हमारी इसकी बहुत भयंकर तैयारी चलती है, तो आप इसी प्रकार से सफल हो पाता है। कभी आज तक का रिकॉर्ड है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं, किसी तूतू में नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आस्था के आते हैं, होता है बीच में कोई किस प्रकार जाए, मगर हमारे बच्चे जो हैं सब हम लोग मिल मिला के उनको शांत करा देते हैं, तो इसी वजह से हमारे संपन्न हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम रवि जोशी है और मैं हल्द्वानी का ही रहने वाला हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ बेलबाव? मैं करीब यहाँ हर साल पिछले 5 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, और भोले की कृपा है कि हमें अच्छे दर्शन यहाँ पे होते हैं, कृपा है भोले शंकर की हम पे पूरी। जैसा हम देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, तो सुबह कितने बजे आए थे और कितनी देर लगी दर्शन करने में बाबा? हम लोग तकरीबन यहाँ पे सुबह 7 बजे से आए थे, और उसके बाद एक मंदिर और है वहाँ पे दर्शन किया हमने, करीब करीब 1-2 घंटा हमें लाइन पे लगने पे हुआ। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो ऐसे ही भीड़ रहती है हर साल और सालों या इस साल कुछ ज्यादा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे भीड़ हर साल में आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे रहता है, और दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि काफी मान्यता है इस मंदिर की, तो बिल्कुल सराउंडिंग आपके आसपास देखेंगे तो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे इतना क्राउड है, तो जो मंदिर प्रबंधन ने जो मैनेजमेंट किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो आयोजन किया गया किस तरह का है वो? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा अगर यहाँ की व्यवस्था के बारे में, तो इतनी लंबी लाइन है, सारी सुविधाएँ पूरी हैं, और अगर आप मंदिर में एंट्रेंस करते हैं तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ें मिल जाती हैं, और सैनिक की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी की गई है, तो मतलब कोई भी आप देखेंगे इतनी हौशमौज नहीं है, हर किसी को दर्शन अच्छे से हो रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। जैसे वैसे तो हिंदू धर्म में 12 शिवरात्रियाँ होती है, लेकिन आज महाशिवरात्रि है, तो ये बाकी शिवरात्रियों से कैसे खास हो, इसका क्या महत्व अगर आप दर्शकों को बताना चाहें? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है, इस दिन भोले ये प्रतीक है भगवान शिव की, शिव पार्वती के विवाह का, और जो आने वाली यंग जनरेशन है तो वो ये चीज़ें उन चीज़ों को बताती हैं कि हम कैसे मतलब अच्छे तरीके से इन चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, और लोगों की मान्यता है भोले शंकर में काफ़ी बिगड़े हुए काम जो है वो भोले शंकर अपनी कृपा से बनाते हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए महत्व रखती है ये चीज़ें। मेरा नाम ज्योति कोश्यारी है। आप यहीं रहते हैं या कहीं? यहीं रहते हैं। दर्शन हो गए? हाँ हो गए दर्शन। कितनी देर लगी, सुबह कब से आए? अभी तो बहुत 1-2 घंटा हो गया, हमें तो लाइन में
लगते हुए फिर लाइन से आए, उसके बाद दर्शन किया। अच्छा, तो दर्शन करके कैसा लग रहा है आज महाशिवरात्रि? बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है, महादेव को देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मंदिर प्रबंधन है उसकी तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए, जैसे हम देख रहे हैं पुलिस वगैरह तैनात है, तो आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए यहाँ पे, सब जगह मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी है यहाँ पे, और आगे हमें दर्शन करने में बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं महाशिवरात्रि के आज सुबह कितने बजे उठे? मैं तो 8 बजे उठी, बट क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं है इसलिए 8 बजे उठी, लेकिन वैसे मैं 6 बजे उठ जाती हूँ आज, लेकिन थोड़ा लेट होगी पता नहीं क्यों। आप जानते हैं महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? जैसे 12 शिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की कितनी खास है? इस दिन महाशिवरात्रि के दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, बोलते हैं फर्स्ट लव मैरिज इन दी वर्ल्ड, तो हाँ। नमस्कार, आपका नाम? मैं विजय सिंह अधिकारी हूँ, मैं ब्लॉक में रहता हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से आता हूँ और हर साल आता हूँ, पिछले 15 साल से आ रहा हूँ, और पिछले साल के मुकाबले इस बार व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए और दर्शन हो के बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है, जल जलाने के लिए भी पात्र भी मिल जाता है, पात्र लाने की आपको घर से कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जैसे वैसे तो 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों विशेष, इसके महत्व के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? महाशिवरात्रि में मतलब आज जो है शिव जी की आज पार्वती देवी के साथ शादी होती है आज की रात, तो आज दिन भर ये उनके क्या कहते हैं उनके भजन और मंत्र से अपना कल्याण की कामना करते हैं भक्तजन, और रात को फिर देर रात तक उनके बारात में उनकी शादी में लोग शामिल होते हैं, और अपने कल्याण की कामना के लिए हम इनका ये उत्सव मनाते हैं। सुबह कितने बजे आए थे और कितनी देर लगी आपको यहाँ दर्शन करने में? जैसे हम देख रहे हैं भारी भीड़ है यहाँ। हाँ, हम समय से आ गए थे, 10 बजे आ गए थे, तो 1.25 घंटे में करीब हमारे दर्शन का लाभ मिल गया। और मंदिर प्रशासन की जैसे हम देख रहे हैं बाहर फोर्सेज भी तैनात है, तो किस तरह की व्यवस्था की, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए किस तरह के मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था की यहाँ पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पात्र लाने की जरूरत नहीं है, जल चढ़ाने के लिए, जल का अभिषेक करने के लिए यहाँ पात्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं, और बहुत बढ़िया व्यवस्था है और आराम से दर्शन हमारे हुए, इतने भीड़ होने के बावजूद भी बहुत आसानी से दर्शन हो गए, तो यहाँ के जो समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के दर्शन करके ऐसा क्या जो दर्शन हुए तो कैसा था? बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा लगा, और बार बार आएंगे ऐसा हमें लगा। मैं रवि, कहाँ से आए भैया? मैं गोड़ा पड़ाव से। अच्छा, कितने बजे आए थे सुबह और कितनी देर लगी यहाँ दर्शन करने में बाबा? मैं सुबह 9 बजे आ गया था, 2 घंटे बाद नंबर आया मेरा। तो दर्शन करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे को तो विश्वास ही था, आज मैं पहली बार बेल बाबा मंदिर आया, बाबा के दर्शन हो गए मेरे को, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, उनकी कृपा बनी रहे बस। जैसे आपने बोला पहली बार यहाँ, उससे पहले कहाँ जाते थे महाशिवरात्रि? लोकल में ही जाते थे? हाँ, हमारे घर के पास ही मंदिर है शिव जी का, वहीं जाते थे। अच्छा, तो क्या बोलते हैं जैसे वैसे तो 12 शिवरात्रियाँ होती है, लेकिन आज महाशिवरात्रि है, तो दर्शकों को बताना चाहेंगे क्यों ये जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि और बाकी शिवरात्रि से खास और उसका क्या महत्व है? महाशिवरात्रि इस दिन शिव जी की शादी हुई थी, तभी ये इसको महाशिवरात्रि की बोलते हैं। तो यहाँ पे आके तो सुबह से इतनी भीड़ है, तो जैसे आपने बोला फर्स्ट टाइम है, तो इतनी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो कैसा लगा सबसे पहले, तो किस तरह का उत्साह दर्शन? पहले तो मैं ये विश्वास ही था, मैं तो पहले भीड़ समझ के मैंने सोचा कि मेरे पास नंबर आज आता है कि भी नहीं आता है, मैं सोचा था आज दूर से ही बाबा को हाथ जोड़ के चले जाऊँ, लेकिन इतनी कृपा हो गई, मेरे को अंदर जाने का भी मौका मिला, जल चढ़ाने का भी मौका मिला, बेलपत्र सब कुछ, मैं धन्य हो गया, बाबा की कृपा बनी रहे। जैसे यहाँ पे इतना क्राउड है, तो मंदिर प्रबंधन ने जो मैनेजमेंट किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं की सहूलियत हो रही है, तो उसके बारे में? नहीं, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बाहर पुलिस वाले, उत्तराखंड पुलिस सब लगी हुई है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगी हुई है, बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया हुआ है। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मैं राजीव कुमार त्रिपाठी। सर, सबसे पहले तो बताइए कितनी दूर से आए पर यहाँ पे आए हुए? मैं करीब 8 किलोमीटर दूर से आया हूँ, लोकल से ही, हल्द्वानी से, नवाबी रोड से। ठीक है, और क्या बोलते हैं सुबह कितने बजे आए थे और कितनी देर लगी आपको दर्शन करने में? दर्शन 1.5 घंटा करीब हो गया हम लोग को, तो
सुबह हम निकल गए थे समय से और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत मन को प्रसन्नता हुई, शांति है। तो मैं वैसे कैलाश में भी जाता था मंदिर में साल भर में, लोग थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम हो गई तो इस बार यहाँ पर आया, इससे पहले भी यहाँ पर मैं आते रहता, बहुत मन को सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हम देख पा रहे हैं सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, तो मंदिर प्रबंधन ने जो इंतजाम किए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए? मंदिर प्रबंधन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, मन मेरा बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे पैर में तकलीफ थी, फ्रैक्चर मेरा पैर था, तो मैं रिक्वेस्ट किया इनसे कि मैं लाइन पर इतना नहीं आ पाऊँगा अंदर, उन्होंने कहा नहीं आपके पैर में तकलीफ है, मेरे को इन्होंने आने दिया, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये तो मैं लाइन में जरूर लाइन पर ही लगता, लेकिन मेरे को थोड़ी दिक्कत है, मैं ऊपर नीचे सीढ़ी भी नहीं चल पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, प्रबंधन की बहुत अच्छी व्यवस्था। जैसे सर वैसे तो 12 शिवरात्रि होती है, बट आज महाशिवरात्रि, तो इसका क्या विशेष महत्व है, अगर आप दर्शकों को बताना चाहिए कि वो बाकी शिवरात्रियों से अलग और खास है? नहीं, महाशिवरात्रि का पर्व जो है हमारे पूरे भारतवर्ष पे मनाया जाता है और हमारा उत्तराखंड तो वैसे ही देवभूमि के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो भोले शंकर इस दिन जो है प्रकट होते हैं आशीर्वाद देने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसका जो है बहुत ऐतिहासिक महत्व है। अच्छा, आप यहाँ पे आए अपने भगवान जी के दर्शन किए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, सुबह कितने बजे उठे थे आज आप? 4। अच्छा, सुबह उठ गए थे, उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद हम नहाया धोया, थोड़ी देर पढ़ाई की, उसके बाद यहाँ आ गए। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट में किस तरह आज महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर सुबह से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, सुबह से ही भक्तों में खासा उत्साह है। हमने तमाम भक्तों से बात की और जाना कि महाशिवरात्रि को लेकर उनके मन में कैसा उत्साह है और सुबह कब से वो यहाँ पहुँचे थे और किस तरह दर्शन हुए। साथ ही हमने मरमंदिर प्रबंधन से भी बात की और आपको तस्वीरों में, तमाम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया कि किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और कितनी भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN News हल्द्वानी।